ये दर्शनार्थियों हजारों की संख्या में से मात्र बहुत छोटे से यानी स्पेस की कमी के कारण इस तरीके का बहुत कम तंत्र वाला यहाँ पर गया है। तो दर्शनार्थी तो देख सकेंगे, उसके ऊपर में आज मुझे जरूर ये लगा कि जहाँ इतने सर के पास में इतनी विशाल जानकारी, गुप्ता सर लोगों के पास इतनी विशाल जानकारी, तो मैं आगे होकर के उस पर क्या अपने शब्द रखूँ वो सोचने का, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे होकर के सुनना पसंद कर रहा था कि जो भी जानकारी मिलती है कहीं ना कहीं मेरे समुदाय में वो वृद्धि होगी। इस अवसर पर पहले योगेश गुप्ता सर से कहना चाहूँगा कि उसको इससे अपने सर का स्वागत करें। इस अवसर पर विकास दुबे सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि बनाई के सर का स्वागत करें। कुछ कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सर कोई बात सारे सीनियर्स ने उन्हें और उनके साथ
इस स्वागत समारोह के विशेष प्रतिभा कांग्रेस के अपने सर दो शब्दों से सबको नमस्कार और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सज्जनों, मेरे लिए भी बड़ा अद्भुत अवसर है कि मुझे भंडे साहब की सौजन्यता से उसके गुप्ता जी के औदार्य से उदारता के कारण इस बड़े संग्रह को देखने का अवसर मिला और आम जनता को इससे जागरूक हो उनमें जागरूक हो करने का अवसर मिला, इसलिए मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ। क्योंकि एक औपचारिकता है, मुझे दो शब्द बोलना है, शब्दों को समय की कमी है, किंतु गणेश जी के ऊपर बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, जरूर बोलूँगा और खूब में बोलने की कोशिश करूँगा। देखिए, अभी यहाँ जब हम आए तो बात करूँ कि गणेश जी के जितने आपने कहा गणेश जी के जितने फॉर्म्स हैं, जितने रूप हैं अलग अलग, उतने रूप और किसी देवता के नहीं। तो मैंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है कि गणेश जी के हजारों रूप क्यों हैं, बाकी देवताओं क्यों नहीं। उसका उत्तर भी मैंने दिया, उसका उत्तर यह है गणेश लोक देवता होगा। वो काट तो आम आदमी बाकी मंदिर में बैठेंगे, छुएंगे नहीं, पंडित जी वो करेंगे, गणेश जी को हर कोई वैसे भी फॉर्म में बना सकता है। एक नागपुर में और महाराष्ट्र जाए तो एक हंसने वाला गणपति बनाते हैं, वो अपनी पत्नी को स्कूटर में बैठे जा रहे हैं, मस्खरा गणेश जी तो कभी स्कूटर में बैठे बताते हैं, कभी गणेश जी थल कर ठेले पर बैठे खुद ही खा रहे हैं, ऐसे कई